सेवन एपिसोड की स्टार्टिंग फायर होने वाली है, क्योंकि एक ही टाइम पर बहुत सी इमोशन हमें देखने को मिलेगी, लाइक जेलसी, लव, गुस्सा। और वारंग गोजा से मूव ऑन कर चुकी है, बट मना वारंग और गोजा को एक साथ देखकर जेलस फील करेगी। और वहीं लुक्तान वारंग और गोजा के लाइफ में विलन का रोल प्ले करने वाली है, और हमारे क्यूट कपल वारंग और परांग जिसका बॉन्ड अब स्ट्रांग होते हुए हम देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं परांग वारंग को फिर से चॉकलेट खाने के लिए देती है, तो ये देखकर वारंग थैंक्स कहती है और इसे लेकर बेला को दे देती है, तो बेला को ना चाहते हुए इसे लेना पड़ता है। और हम परांग को देखते हैं जिसको सेवेज रिप्लाई वारंग की तरफ से मिल जाती है। और वही गोजा के पास मनाव के फ्रेंड ट्यूटर क्लास लेने के लिए आती है, और लुक्तान गोजा से पूछती है क्या तुम्हारा टेस्ट पेपर प्रिपेयर हो गया है। तो गोजा कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी करने वाली थी, पर मनाव ने तुम सबके बारे में बताया कि तुम सबका फाइनल एग्जाम के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पर अभी मौजूद हूँ। तो ये सुनकर फिर से लुक्तान टोंट मारती है कि मनाव ने तुम्हें हमें ट्यूटर क्लास देने के लिए कही, वो कितना इम्पेरेसिव है, इसलिए तो मैं उसे पसंद करती हूँ। तो जैसे ही लुक्तान ये सब बोलती है तो गोजा गुस्सा होने लगती है, और लुक्तान के फ्रेंड्स माहौल को नॉर्मल करने के लिए गोजा से स्टडी के रिलेटेड पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर मनाव आती है, तो लुक्तान मनाव को देखकर कुछ पूछने लगती है। तो गोजा ये देखकर लुक्तान से कहती है अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। तो लुक्तान कहती है मैं ऑलरेडी मनाव से डिस्कस कर ली हूँ, मुझे जो भी पूछना होगा मनाव से मैं हेल्प ले सकती हूँ। तो ये सुनकर गोजा कहती है मैं तुम सबको पढ़ाने के लिए आई, तो तुम्हें मुझसे हेल्प लेना चाहिए। तो फिर से लुक्तान कहने लगती है मेरे लिए मनाव बेस्ट पर्सन है जो मुझे सही तरीके से समझा सकती है। एंड देन ये सुनकर गोजा फिर से गर्म होने लगती है, और फिर से ओए माहौल को बिगड़ते हुए देखकर गोजा से स्टडी के रिलेटेड पूछने लगती है। और जब इन सबका स्टडी कम्प्लीट हो जाता है तो गोजा लुक्तान से अकेले में बात करती है, और यहाँ पर लुक्तान गोजा को सब बता देती है कि उस रात मनाव और लुक्तान एक साथ नाइट स्पेंड किए थे। तो जैसे ही ये सब गोजा सुनती है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, और हर एक बात बताने के लिए गोजा थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर मनाव आती है, और मनाव ऑलरेडी इन दोनों की बातें सुन चुकी होती है, तो मनाव लुक्तान को थैंक्स कहती है, और ये भी कहती है मैं इस बारे में गोजा से बात करने में डर रही थी, जिस वजह से गोजा को मैं हम दोनों के बारे में क्लियर तौर पर नहीं बता पाई। और ये कहकर हर एक बात बताने के लिए थैंक्स कहती है, और गोजा से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर पाई, इसलिए माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डर रही थी। और ये कहकर लुक्तान से भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। तो ये सुनकर लुक्तान इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चले जाती है, और मनाव चेयर पर आकर बैठती है, और गोजा कहती है अगर आज तुम मुझे कुछ भी नहीं सच बताई तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी। तो मनाव सब बताती है और दोबारा इस तरह का गलती ना होने का प्रॉमिस करती है। तो गोजा मनाव के पास आती है और रोने के लिए मना करती है, तो मनाव कहती है कभी भी तुम ब्रेकअप के बात नहीं करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो गोजा समझाती है कि तुम कभी भी ऐसा वैसा गलती नहीं करना, क्योंकि जो हम करते हैं लोग वही देखते हैं और उसी पे रिएक्शन देते हैं, तो संभल कर रहना। तो मनाव ये सुनकर प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा गोजा से कुछ भी नहीं छुपाएगी और हमेशा गोजा के साथ रहेगी। और यहीं से हम टाइम स्लिप होते हुए देखते हैं, और हम देखते हैं गोजा थर्ड ईयर में जा चुकी है, और हम फिर से गोजा को जूनियर को वेलकम करते हुए देखते हैं, यानी कि परांग और बेला सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी है, और गोजा इन सब से रूल और रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करती है। और वही वारंग को देखते हैं जो किसी से अपने न्यू रूममेट के बारे में बात कर रही होती है कि वो स्टूडेंट आज ही यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। तभी कोई नॉक करता है, तो जैसे ही वारंग गेट खोलती है तो वो परांग को बाहर में देखती है, और यहाँ पर पता चलता है परांग ही वारंग का अब रूममेट बनने वाली है। तो वारंग अपनी रूममेट को देखकर वेलकम करती है और परांग के सामान को फिक्स करने में हेल्प करने लगती है, और इसके बाद ये दोनों ही रेस्ट करते हैं, और वारंग खाने का कुछ सामान लेने को बाहर जाने लगती है, तो परांग इसे रोकती है और अपने पास से कुछ नूडल्स लेकर आती है, और परांग अपने पास से नोटबुक निकालती है और वारंग को इस पर सिग्नेचर देने को कहती है। तो ये सिग्नेचर बुक देखकर वारंग कहती है तुम अब तक किसी का भी सिग्नेचर नहीं ली, तो तुम प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। तो ये सुनकर परांग कहती है मुझे पहला सिग्नेचर तुम्हारा चाहिए था, तो इसीलिए मैं अब तक किसी से भी सिग्नेचर के लिए नहीं पूछी। तो वारंग कहती है हम भले ही रूममेट बन गए, बट फिर भी मैं इतनी आसानी से सिग्नेचर नहीं दूंगी, और ये कहकर सिग्नेचर बुक को दे देती है और अपना काम जल्दी से निपटाने को कहती है। तो दूसरी तरफ मनाव को देखते हैं जो सेकेंड ईयर में आ चुकी है, और मनाव के पास बेला आती है और सिग्नेचर मांगती है, तो मनाव सिग्नेचर दे देती है, और इन दोनों को इस तरह से लुक्तान देख रही होती है। और जब मनाव चले जाती है तो बेला के पास लुक्तान आती है
और बेला इसे देखकर सिग्नेचर मांगती है। तो जैसे ही लुकटान सिग्नेचर देने के लिए सेम पेज यानी के जिस पेज में मनाव सिग्नेचर दी है उस पेज में देने चलती है, तो बेला मना करते हुए नेक्स्ट पेज में सिग्नेचर देने को कहती है। तो लुकटान ये देखकर नोटिस कर लेती है कि बेला मनाव को पसंद करती है, तो लुकटान सिग्नेचर दे देती है और एक डेवल स्माइल करती है। और वहीं गोजा को देखते हैं जिसके पास कुछ जूनियर आते हैं और गोजा को सिग्नेचर के लिए परेशान करते हैं। तो गोजा इन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए इन तीनों को नीचे बैठने को कहती है, तो ये तीनों इसकी बातें फॉलो करते हुए नीचे बैठते हैं और गोजा मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। तभी प्योर गोजा को भागते हुए देखता है और ये तीनों प्योर को देखकर सिग्नेचर के लिए परेशान करने लगते हैं, तो प्योर भी बहाना बनाकर भाग जाता है और प्योर को भागते हुए देखकर ये तीनों पीछा करने लगते हैं। और यहीं से सीन शिफ्ट होती है और हम गोजा को देखते हैं जो विंडो का कर्टेंस को ठीक कर रही होती है। तभी मनाव आकर उसे हेल्प करती है और कहती है यूनिवर्सिटी में आज प्रोजेक्ट रेडी करना है तो मैं आज बिजी रहूँगी। तो ये सुनकर गोजा मनाव को घर पर ही रहकर प्रोजेक्ट रेडी करने को कहती है। तो मनाव कहती है हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है तो साथ में लुकटान भी रहेगी तो इसका यहाँ पर आना सही नहीं होगा, तो हम यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर लेंगे, और ये कहकर चले जाती है। और वही परांग और बेला को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हैं और यहाँ पर सभी वारंग के बारे में बात करते हैं। तभी बेला कहती है तुम वारंग की रूममेट हो ना, तो तुम हमें उसका सिग्नेचर लेने में हेल्प क्यों नहीं करती हो। तो ये सुनकर परांग कहती है मैं अभी तक खुद वारंग का सिग्नेचर नहीं ले पाई तो मैं कैसे तुम सबको हेल्प करूँगी। और ये कहकर बेला को कहती है तुम क्यों ना मनाव का सिग्नेचर लेने में हम सबकी हेल्प करती हो, तुम्हें तो उसका सिग्नेचर मिल गया। और ये कहकर बेला को छेड़ने लगते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप सभी को एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना मिले, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।